हो गया। और यहां पर मान लीजिए आपके चार जो है वो टर्मिनल्स ले लिए हम लोग। सर हेलो बोलो। हाँ सर, बस टोपोलॉजी में एक टर्म दिया हुआ था CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ सर? कैरियर सेंसिंग मल्टीप्लिकेशन, ये CSMA होता है, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस। उसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि एक केबल है, हरी बात समझ में, तो हम बस टोपोलॉजी बना करके, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, यस सर, हम बोर्ड पर ही उसको समझा रहे थे ना सर, देख लो पहले। आगे हम लोग को कैरियर सर्चिंग मल्टीप्लिकेशन जो है वो डेटा लिंक लेयर में समझना है। उससे पहले हम लोग यहाँ समझा देते थे, ये मेरा एक डेडिकेटेड क्या है, केबल है, और एक टर्मिनल सपोज कीजिए यहाँ, एक टर्मिनल सपोज कीजिए यहाँ, और एक टर्मिनल सपोज कीजिए यहाँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो आप देखिए, सर। आप अगर ये ठीक है, या फिर ये इसको डेटा भेज रहा है, अरे बात समझ रहे, तो ये मेन केबल इसी के थ्रू आएगा ना, तो सबको एक सेम टाइम में अगर भेजेगा तो क्या होगा, कोलाइड करेगा। जो मैसेज आपका होगा वो कोलाइड कर जाएगा, और कोलाइड करने से क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप भी भेज रहे हैं, एक ही रास्ता उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा ना। अरे ट्रैफिक पुलिस को यस इसीलिए ना बिठाया जाता है कि एक एक करके छोड़े, नहीं तो सब लोग एक ही बार में जाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा, और उससे आपका डेटा क्रैप कर जाएगा, यानी करप्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और इस सिस्टम को फिर रीअज्यूम करने में टाइम लगता है। खैर वो एक अलग बात है, अभी आगे समझिएगा। कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कहने का, CSMA कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी को डेटा भेजना है, ठीक है, सपोज के लिए इसको डेटा भेजना है, तो ये पहले इस केबल को सेंस करेगा। जैसे देखते होंगे कि बहुत जगह जो है वो, जो रेलवे लाइन ट्रैक जो है वो गांव से होकर के गुजरती है, तो लोग रेलवे ट्रैक पर ही चलने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, पहले सेंसिंग करते हैं, यानी रेलवे ट्रैक पर ऐसे कान लगा करके सुनते हैं, जिससे उनको आभास होता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर उनको वहीं से पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, अगर ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है तो भी उनको पता चल जाएगा, या फिर थोड़ा कर्व होगा जिसके कारण उनको पता नहीं चल रहा, तो वो ट्रैक पे ही जो है वो सेंस करेंगे। ट्रैक को सेंस करने से यही होगा कि उनको पता चलेगा कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। उसी तरह से डेटा को सेंड करने से पहले ये क्या करेगा, सेंसिंग करेगा। तो देखिए, एक केबल है इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस। इस केबल को, यानी ये जो मेन केबल है, इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल एक से ज्यादा जो है वो टर्मिनल इसको एक्सेस करना चाहेगा एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए एक उपाय बताया गया कि सेंसिंग करें, तो सेंसिंग किया पहले ये, और सपोज के लिए इसको भी भेजना है, तो ये सेंस किया तो पता चला कि आपका जो केबल है वो आइडल है। आइडल है कहने का मतलब है कि यानी बिल्कुल खाली है, कहीं कोई ऐसा सेंस नहीं आ रहा कि कोई डेटा उसमें सेंड किया है, तो ये अपना जो है वो डेटा सेंड करेगा। जिस समय ये सुन रहा है उसी समय ये भी जो है वो इस केबल को रीड कर रहा है, यानी सेंस कर रहा है। तो दोनों जब सेंस करने लगे एक ही साथ, तो दोनों को पता चला कि खाली मिला, तो दोनों ने डेटा ट्रैवल कर दिया, तो दोनों का डेटा एक साथ जब जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो ये एक कोलिजन, यानी कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस में भी जो है वो डिसएडवांटेजेस था। फिर उसको दूर करने के लिए कैरियर सेंसिंग मल्टीपल, ठीक है, एरर डिटेक्शन की बात आई कि एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तब, और नहीं तो फिर आ गया कैरियर सेंसिंग मल्टीपल ऑब्लिक CA, यानी CSMA CA, यानी कोलिजन अवॉइडेंस। बिल्कुल अवॉइड ही करेंगे ताकि मेरा कोलिजन नहीं हो। जैसा कि आप लोगों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने डेडलॉक सिचुएशन जो पढ़ा होगा, और डेडलॉक सिचुएशन में आपको बताया गया होगा कि चार नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसके आधार पर डेडलॉक होंगे,
और आपको ये भी बताया गया हो कि डेडलॉक हैंडल करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि या तो डेडलॉक ठीक है प्रिवेंट करें या फिर डेडलॉक क्या करें अवॉइड करें। तो प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट पहला है। तो प्रिवेंट करना इसका मतलब है कि रोकने की कोशिश करना, और अवॉइड करने का मतलब कि होने ही नहीं देना कि हाँ कभी सिस्टम में डेडलॉक अकर हो। दूसरा तरीका ये था कि ठीक है डेडलॉक होने देते हैं, उसको हम डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उसको दूर करेंगे। इसका मतलब देखिए, जैसे हम सिंपल में ये समझ सकते हैं कि हम जो है अगर यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या है कि भाई ठीक है हम चाहते हैं कि पूरा ये करें अवॉइड कर दें कि कोई जो है वो हो ही नहीं, तो यानी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सारे इन्वायरमेंट सही रहे तो उसके लिए क्या होगा कि कोई भी अनवांटेड जो है वो इवेंट ना घटे, इसलिए सरकार पूरी चौकस रहती है और सारा चीज व्यवस्था करती है कि ऐसा इवेंट हो ही नहीं, मतलब कोई घटना घटे ही नहीं, अवॉइड करने की पूरी कोशिश करवाती है कि अवॉइड हो, यानी कोई भी अनवांटेड इंसिडेंट जो है वो अकर ना करे। दूसरा एक तरीका ये होता है कि ठीक है चूंकि थाना तो भाई छोटा एक ही होता है, एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, तो कहीं अगर इंसिडेंट होता है तो होने देते हैं, उसके बाद पुलिस पहुंचती है और उसको क्या करती है उस चीजों को खत्म करती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि ठीक है डेडलॉक होता है तो होने देते हैं, उसके बाद उसको जो है वो रिजॉल्व करेंगे यानी उसको खत्म करेंगे। और तीसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए किसी गली में कोई लोग दो चार लोग आपस के पड़ोसी लड़ रहे हैं ऐसे ही, तो ठीक है पुलिस भी छोड़ देती है कि अरे छोटा मोटा लड़ाई अपने में लड़के सलट लेगा लोग। तो वो हो गया नेग्लेक्ट करना। तो नेग्लेक्ट करने का यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि डेडलॉक को अगर आप नेग्लेक्ट करिएगा अपने सिस्टम में तो क्या होगा, इससे जो होगा वो सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो लो होगा, बाकी और कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको बताया गया होगा जब आप लोगों ने डेडलॉक पढ़ा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बात है, तो उस चीज को कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस पहला में प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बाद यानी इस प्रोटोकॉल में जो डिसएडवांटेजेस है उसको दूर करने के लिए CSMA CD यानी कोलिजन डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद CSMA CA यानी कैरियर सेंसिंग मल्टीपल कोलिजन अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी वो प्रोटोकॉल लाया गया ताकि कोई कोलिजन हो ही नहीं, इससे मैटर होता है। तो एक केबल को मल्टीपल टर्मिनल अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल दिया गया कि भाई सबसे पहले आप भेजने से पहले आप कैरियर सेंस करें, यानी उसको लाइन को जो है वो सेंसिंग करें कि पता चले आपको कि कोई जो है वो अपना डेटा सेंड किया है कि नहीं किया है। अगर आपका केबल जो है वो क्या होगा, अगर आपका केबल मिलेगा आइडल तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो डेटा भेज सकते हैं, यानी सेंसिंग के दौरान ये पता चला कि आपका केबल आइडल है यानी कोई डेटा सेंड नहीं किया गया, नहीं कोई कर रहा है, तो आप जो है अपना डेटा भेजिए। यही बस के साथ बात है। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। सर जो आप तीसरा बताया डेडलॉक का हैंडल करने, एक तो प्रिवेंटेशन है, प्रिवेंशन है कि अवॉइडेंस, और तीसरा जो था वो डिटेक्शन है। दूसरा डिटेक्शन है, पहला है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस दोनों लेकर, प्रिवेंट करना यानी रोकने की कोशिश करना और दूसरा बिल्कुल अवॉइड करना, दो अलग अलग चीजें। प्रिवेंशन वहां पर बात होता है कि चार जो नेसेसरी आपके कंडीशंस थे उसमें से किसी एक कंडीशन का यानी चारों कंडीशन का साइमल्टेनियसली अकर होना डेडलॉक होने के लिए स्थिति को बताता था। जैसे उसमें क्या था, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, होल्ड एंड वेट होगा, नो प्रीएम्पशन होगा और सर्कुलर वेट होगा। तो इनमें से चारों में से किसी एक को रोक देना वो प्रिवेंशन की बात थी, और अवॉइडेंस की बात है कि हमको पहले ही से पता है कि क्या क्या इस प्रोसेस के साथ करना है ताकि कहीं पर डेडलॉक जो है वो ना करो, तो वो अवॉइड करने की बात चल रही है। जैसे होगा कि ठीक है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है सब दे दीजिए ताकि जो है वो कहीं डेडलॉक अकर हो ही नहीं, अवॉइड करना है बिल्कुल हमको। अरे बात समझ में? जैसे कभी कभी होता क्या है कि CMM का काफिला आते रहता है तो बहुत सारे लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी मांग को रखें, तो उसी समय जो वहाँ के जिस जो एरिया का इंस्पेक्टर कहिए या जो भी कहिए वो वहाँ के लोगों को समझा बुझा करके हटाता है, बिल्कुल अवॉइड करता है कि कहीं कोई जो है डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, वो वाली बात होती। तो पहला जो है वो है प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, दूसरा है
डेडलॉक अकर होना और फिर उसको समाधान करना, और तीसरा अगर अकर कर भी रहा है, छोटा मोटा डेडलॉक है जो कि सिस्टम के रिसोर्सेस पर यानी सिस्टम के आउटपुट पर थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है, यानी सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो रहा है, तब हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज हमारे पास इसके तीन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो अब जरा हम लोग हब की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे जो CSM है ना, इस पूरे प्रोटोकॉल को हमको बताना है, इसको पूरा आपको ठीक से समझना है। अभी जब हम लोग SI लेयर समझेंगे उसके आधार पर जब डेटा लिंक लेयर में जाएंगे और डेटा लेयर के अंदर में जो प्रोटोकॉल हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके अंदर में ये सारी बातें आपको स्टडी करनी होंगी। सर आप जो बुक आज सेंड किए हैं उसको भी रेफर करेंगे लोग? हाँ हाँ, उसको क्या करेंगे, मतलब उसमें तो लेयर से फेसबुक है। हाँ उसमें लेयर सब चीज दिया हुआ और उसी से सारा हम पढ़ा देंगे, ताकि आपके पास बुक भी है और उसी से आप नोट्स भी बना लीजिएगा। यस सर, ठीक है ना, आप पढ़ के खुद भी देखिएगा तो लगेगा कि बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो हम लोग कहाँ पर हैं? तो हम लोग अभी स्टार टोपोलॉजी पर है, किस पर हैं, है ना? अब किताब में यही लिखता है कि स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर यूजिंग यूजुअली कॉल्ड हब। तो हर एक टर्मिनल, यहाँ पर चार टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, चार इसके पॉइंट है इस हब में, तो ये एक डेडिकेटेड लिंक से जुड़ा हुआ है, यानी पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसका इस हब के पोर्ट से एक कनेक्शन, इसका इसके पोर्ट के साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन। अरे वास्तव में यही डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक कह रहा है। अरे वास्तव में जबकि अगर हम लोग बस का जो देख रहे थे, तो बस का क्या था, बस में क्या था, मल्टीपल था, लेकिन मेस में भी क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। क्या था मेस में? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल के साथ एक डेडिकेटेड लिंक था, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी एक का एक के साथ। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इसमें भी है, लेकिन इसमें किससे है, तो आपका एक सेंट्रल डिवाइस है, उसी डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। ये टर्मिनल यानी मान लीजिए इसका वन नंबर रखिए, और ये भेजना चाहता है किसको, ये भेजना चाहता है सोर को, तो ये यहां से ब्रॉडकास्ट करेगा ना, नहीं यहां से ये जाएगा तो ये यहां पर से ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन जिसका होगा वही उसको एक्सेप्ट करेगा। ये चीज होता है कॉन्सेप्ट में, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या हुआ, अनाउंसमेंट हो रहा है एयरपोर्ट पर कि भाई फ्लाइट नंबर IC8014 जो है वो टेक ऑफ करेगी, जितने भी पैसेंजर्स हैं वो गेट नंबर पर 8 पर आ जाएं फॉर द चेकिंग वेकिंग जो भी चीज है उसके लिए। तो जो उस फ्लाइट से जाने वाले पैसेंजर्स हैं वो गेट नंबर उतने पे चले जाएंगे, सुना तो सबने, बाकी और जितने लोग हैं दूसरे फ्लाइट से भी जाने वाले हैं सभी लोग सुन रहे हैं उस अनाउंसमेंट को, लेकिन बाकी लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि वो उस प्लेन से जाने वाले नहीं हैं। तो जो प्लेन से जाने वाले हैं वही जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही बात है। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? इसीलिए ब्रॉडकास्ट की बात कही गई होगी कि हब के साथ ब्रॉडकास्ट वाली बात है, यस या नो? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक करके हम आपको बताते चले जा रहे हैं। तो हब के साथ जो कंडीशंस है वो तो रहेगा ही रहेगा। आगे लिखा है
डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर, यानी एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल का डायरेक्टली लिंक नहीं है। लिंक कैसे है? थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस, और उस सेंट्रल डिवाइस का नाम क्या है? हब। हब के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं। आगे लिखता है कि अनलाइक अ मेस टोपोलॉजी, अ स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। मतलब ये वन और एस फोर के साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। जब भी होगा तो भाया ये सेंट्रल डिवाइस से ही होगा, क्योंकि हम लोग कल भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। आ रही बात समझ में? उसके बाद लिखता है द कंट्रोलर एक्ट एज ए एक्सचेंजर। तो कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर आपका ये हब है, और हब एज एक्सचेंजर है, ये भेजा, ये एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो दैट इज एक्सचेंजर, ये एक्सचेंजर के रूप में काम करता है। इफ वन डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू अनदर, इट सेंड्स द डेटा टू द कंट्रोलर, देन दे विल रिले द डेटा टू द अदर, ठीक है, अदर कनेक्टेड डिवाइस, मतलब अदर डिवाइस जो होगा, अदर कनेक्टेड डिवाइस उससे। तो मान लीजिए अगर इसको कम्युनिकेट करना होगा फोर से, यानी वन वाला टर्मिनल कम्युनिकेट करना चाहता है फोर से, तो ये अपना डेटा जो है वो सेंड करेगा सेंट्रल को, और ये सेंट्रल डिवाइस इसको हैंडल करेगा, और जो भेजना है तब वो भेज देगा वहां पर, यानी वो वहां से भेजेगा, तो जिसके डेडिकेटेड है उसी को मिलेगा, बाकी और के लिए डिस्कार्ड रहेगा वो। बताइए आ रही बात समझ में या कोई दिक्कत? इसमें आगे लिखा है स्टार टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव देन द मेस टोपोलॉजी। बिल्कुल सही है, मेस टोपोलॉजी से ये लेस एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि मेस टोपोलॉजी में क्या था? डेडिकेटेड लिंक्स थे, जिसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसेस जो है आपको बढ़ते चले जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ द टर्मिनल्स यानी हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तब। तो इसमें यही लिखा है इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक एंड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट टू कनेक्ट टू एनी अदर विद द अदर्स। यानी कहने का मतलब है इनपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, उसको भी समझाएंगे। जावा पढ़ लिया आप लोग? नो सर, जावा नहीं पढ़े हैं। जावा किससे पढ़ना है सर? इसके बाद C++ के बाद, मतलब शायद थर्ड ईयर में सर। अच्छा, अभी C++ चल रहा है। अभी C++ चल रहा है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो चलिए खैर उस समय जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, या फिर हम इसमें अलग से पोर्ट वोट सारा चीज समझाएंगे, पोर्ट सॉकेट, ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पोर्ट नंबर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा फिर आपके लिए। अब आइए उसके बाद कहता है कि दिस फैक्ट ऑल्सो, ठीक है, मेक्स इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉग्निशन, यानी इंस्टॉल करने और रिकॉग्नाइज करने में बहुत इजी होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका डेडिकेटेड पोर्ट है उस पोर्ट के आधार पर आप उसको जोड़ते चले जाइएगा, तो आसानी से आपका जो है इंस्टॉलेशन और रिकॉग्निशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखता है फार लेस केबलिंग इज नीड टू इट टू द हाउस एंड एडिशनल मूव एंड डिलीशंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग ओनली द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द हब, ठीक है। साथ ही में अब देखिए इसमें क्या है कि मेन डिसएडवांटेजेस के रूप में पहला है कि अगर ये हब बैठ गया तब तो बात खत्म हो जाएगी। यस या नो? यस सर, मेन सेंट्रल वही है ना। अगर सेंट्रल ये खत्म हो जाएगा तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर एक लिंक, एक कोई डेडिकेटेड लिंक अगर, ठीक है, क्या हो गया, अगर एक डेडिकेटेड लिंक अगर में कोई खराबी आ गई तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका नहीं बैठेगा। अरे बात समझ में? पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बैठेगा जब तक कि आपका सेंट्रल डिवाइस जो है वो नहीं बैठेगा, तब तक आपका पूरा सिस्टम जो है वो नहीं बैठेगा, यानी काम उस पर होते रहेगा। वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज डिपेंडेंसी ऑन द होल टोपोलॉजीज, ठीक है, ऑन अ सिंगल पॉइंट।
जो अभी हम बता रहे थे वही लिखा कि एक सिंगल पॉइंट पर ये सारा जो है वो सिस्टम जो है डिपेंड कर रहा है, दैट इज हब। और ये अगर ये बैठ गया तो समझिएगा कि पूरा जो है आपका सिस्टम जो है वो खत्म। तो वही लिखता है, इफ द हब गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। Although a star topology requires far less cables than the mesh topology, each node must be linked to the central hub. For this reason, often more cabling is required in the star than some other, ठीक है, other topologies. मतलब mesh topologies को छोड़ करके दूसरे और topologies हैं, उसमें भी ये link की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी star topologies में in comparison to other. जैसे मान लीजिए बस टॉपोलॉजीज की बात करेंगे तो बस में तो एक ही डेडिकेटेड केबल है, और इसमें जो है वो जैसे जैसे आपके टर्मिनल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका केबलिंग की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वैसा नहीं बढ़ेगा जैसा कि आप किसमें मेस टॉपोलॉजीज में समझ रहे हैं। अब बताइए, पहले इतनी बात आप समझ में आ गई या कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए पहले। सर बात यह है कि समझ में तो आ गई है, बट इसे रिमेम्बर करने के लिए सर नोट डाउन करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा थोड़ा, इसीलिए तो ऐसा ऐसा बुक सजेस्ट किए हैं कि जो बिल्कुल नोट्स की तरह है, आप पॉइंट बाय पॉइंट सारा इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखने में कोई दिक्कत होगा? अबे पूरा बुक देखे नहीं है सर। अच्छा पूरा बुक देखो, सामने देखेंगे शाम कल संडे, कल हमको शायद थोड़ा टाइम मिल जाए तो कम से कम हम एक मेस टोपोलॉजी का लिख करके आपको दिखा देंगे। इसी बुक के ही बातों को लिख करके करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बुक से भी अच्छे से नोट्स बनाया जा सकता है, और कैसे लिखा जाता है वो चीज हम आपको बता देंगे एक लिख करके, तो उसके आधार पर आप पूरा लिख लीजिएगा। बोलिए यस या नो। ओके सर। या इसके अलावा और कोई तो दूसरा तरीका नहीं है, यही है कि हम सारा फिर लिख लिख करके आपको दें, लेकिन बेटर है कि आप खुद से भी लिखते रहिए। और जिस चैप्टर के बारे में जहां बता रहे हैं उसको जो है वो आप अंडरलाइन करते जाइए, वहीं से सारी बातें लिखिए, क्योंकि आपके जितने सिलेबस में उतना ही पढ़ाएंगे, ये किताब में तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतनी ही बातों को बताएंगे जितना ये किताब में, किताब नहीं मतलब आपके सिलेबस में जितनी बात है उतनी ही बात करेंगे, है ना। चाहिए कोर्स भी कम्प्लीट करना है, पूरे किताब को पढ़ाना जो है वो काफी अच्छा खासा समय लगेगा। ठीक है यस सर। इसके अलावा बोलता है कि ये जो स्टार्टअपोलॉजीज ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं लैन लैन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे। हमने आपको तीन तरह के नेटवर्क बताया था ना, यानी नेटवर्क को कैटेगराइज किए थे तीन तरीके से, लैन मैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, पैन भी होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये सब भी होते हैं। तो खैर वो सब आगे हम पढ़ा देंगे, लेकिन तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लैन मैन वैन, ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग में या एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क आपने डिफाइन करके रखा है वो आपका होगा लोकल एरिया नेटवर्क। पूरे शहर में जो आप डिफाइन करके नेटवर्क एक लेकर चल रहे हैं दैट इज मेट्रोपॉलिटन, और पूरी दुनिया को लेकर के चल रहे हैं जो नेटवर्क वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में। आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब और हब से रिलेटेड बात अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। और कोई बात है? नो सर। ये बेस्ट बुक है और इसीलिए हम ये सिंपल भाषा में है, आपको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो टर्म्स अगर आपको नहीं कोई समझ में आएगा तो वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी आएंगी कि जिसको हम यहाँ पर अभी डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे भी तो आपको नहीं समझ में आया, जैसे कैरियर सेंसिंग थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, इस टंग के जो टर्म्स है जहां इसको यूज करना होगा वहां पर हम आपको बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी।
ठीक है ना। तो हम जो क्या करेंगे कि अगले क्लास में आपको सबसे पहले एक दे देंगे टोपोलॉजीज का, आपको ये क्या आपको दे देंगे नोट्स ओवरव्यू एक ओवरव्यू टाइप नोट्स दे देंगे इसी किताब से लिख करके, ताकि आपको इस किताब से कितनी बातों को कैसे लिखना है ताकि आपको समझ में आ सके। अब जरा रिंग टोपोलॉजीज के बारे में देखिए, और रिंग टोपोलॉजीज को पढ़ करके जरा से हमको बताइए। बस तो बता ही दिए थे, रिंग टोपोलॉजी जरा पढ़िए और पढ़ के हमको बताइए। 2 मिनट का समय देते हैं कि रिंग टोपोलॉजीज में क्या क्या बात कह रहा है। आगे चल के आपको दो टर्न नजर आएंगे, एक होगा रिपीटर और एक होगा एम्पलीफायर। रिपीटर और एम्पलीफायर दो वर्ड्स होंगे, उसको जरा सा हम आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो पहले जरा सा आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर को ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं। जरा जल्दी जल्दी पढ़िएगा, 2-4 लाइन कम से कम पढ़ लीजिए। देखिए, दो चीज हम आपको बता देते हैं पहले इस रिंग टोपोलॉजीज को स्टार्ट करने के पहले, रिपीटर और आपका एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। हमारे पास हम दो तरह के सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, एक सिग्नल जो कि एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा डिजिटल सिग्नल। शायद हमने ये बात आपको पहले भी बताया था, यस या नो बोलिएगा। यस सर, बताया था। हाँ, तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इसी दो सिग्नल्स पे काम होंगे, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स जैसे होता क्या है कि सिग्नल्स आपने मान लीजिए कोई केबल लगाया यहाँ से दानापुर तक के लिए, और आप यहाँ से बैठ करके अपने सिग्नल को ट्रांसमिट किए, तो जो आपके केबल्स होंगे उस केबल के आधार पर आपको डिफाइंड होगा कि वो केबल का जो है वो सिग्नल का स्ट्रेंथ कहाँ पर वीक हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर के बाद कि 2 किलोमीटर के बाद सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगा। जब सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तो क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पर हम आपको एक दिखा रहे हैं, देखिए तो दिख रहा है ये आपका सिग्नल ऐसे आ रहा था और आते 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 आप सिग्नल ऐसे हो गया, तो ये सिग्नल वीक हो गया, दिख रहा है। ये दिख रहा ये तो एनालॉग है सर, ये एनालॉग सिग्नल है ना। हाँ, एनालॉग जो भी सिग्नल है, अभी हम लोग सिग्नल की सिर्फ बात करें कि ये सिग्नल्स जो हम लोग ले रहे हैं साइन वेव की तरह एनालॉग ही है, तो ये सिग्नल्स होना चाहिए इस टाइम से आते आते, लेकिन यहाँ पर आते आते धीरे धीरे क्या हो गया, वीक हो गया। वीक हो गया मतलब स्ट्रेंथ जो है इसका खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए आप दौड़ स्टार्ट करते हैं, दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, आप थक जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं फिर ग्लूकोज ग्लूकोज लेकर फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो सिग्नल्स हैं उसमें 3 तरह के इम्पायरमेंट होते हैं। इम्पायरमेंट कहने का मतलब है उसमें जो है वो खामियां जो है वो आती हैं। एक होता है कि सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन, जो आगे हम समझाएंगे आपको।
दूसरा होता है डिसऑर्डर और तीसरा नॉइज, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। तो सिग्नल्स अगर वीक हो जाएंगे तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिग्नल्स कहाँ पर जाकर के वीक हो जाएंगे। जहाँ पर वीक होंगे उससे पहले जो आपको एक अगर एनालॉग सिग्नल है तो हम लोग एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है यानी पावर दे देता है, तो वो सिग्नल्स फिर ट्रैवल्स करने लगते हैं। दूसरा अगर आपका ये डिजिटल सिग्नल होता तो एम्पलीफायर के जगह पर आप रिपीटर को यूज करिएगा। रिपीटर का काम क्या है कि रीजनरेट कर देता है, ये जनरेट करता है और वो एम्पलीफाई कर देता है, उसमें पावर प्रोवाइड कर देता है। तो दोनों में अंतर है, ये रीजनरेट करेगा और रीजनरेट करके फिर आपको आपके सिग्नल्स जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी जैसे सिग्नल्स थे वैसे सिग्नल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपके जो इतने टर्मिनल्स हम आपको दिखा रहे हैं, इस टर्मिनल का जो एक रिंग से जो जुड़ा हुआ है वो आपका रिपीटर, रिपीटर से जुड़ बीच में जुड़े हुए हैं ताकि रीजनरेट करेंगे। अब कहता है कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें जो एक टर्मिनल है वो टर्मिनल के दोनों साइड में एक एक टर्मिनल से वो जुड़ा रहेगा। तो देखिए वैसे जुड़ा हुआ है ना, कोई भी एक टर्मिनल को उठाएगा तो उसके लेफ्ट और राइट से वो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, एक एक टर्मिनल जो है उससे जुड़े हुए हैं। यस या नो? यस सर। तो अब होता है कि अगर कोई एक भेजेगा तो पहले से आपको डायरेक्शन डिफाइंड होगा कि किस डायरेक्शन में आपका डेटा जाएगा। तो जिसके पास जाएगा अगर वो उसके वो डेटा अगर उसका नहीं होगा तो यानी पहले टोकन जाएगा, तो टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट इसमें हम समझा देंगे, तो वो टोकन आगे पास करेगा और अगर उसका होगा तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से इसमें ये काम होता है, लेकिन काम तो होता है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना बात समझ बताइए कि रिपीटर एम्पलीफायर ये सारी बात समझ गए या नहीं? सर एक बार और समझा दो। रिपीटर जो है वो रीजनरेट करता है, रिपीटर ऐसा डिवाइस है जो कि रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने का मतलब फिर से उस चीज को बना बना करके करेगा। और दूसरा क्या होता है एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफाई करेगा यानी पावर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो जब सिग्नल वीक होते हैं या सिग्नल कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नल के लिए। और अगर एनालॉग सिग्नल होगा तो वहां पर एम्पलीफायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलिए बात समझ में आई? यस सर। तो आप बताइए जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो किताब में लिखा हुआ है किससे, रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड बात, अब आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है, पढ़ना है आप लोग नहीं उसको? देखिए जिस दिन आप बुकिश लैंग्वेज को समझने के काबिल हो जाइएगा उस दिन समझिएगा कि फिर आप फैकल्टी से इंडिपेंडेंट हो गए, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बुक मिल जाए आप समझ लीजिएगा। तो जस्ट ट्राई टू रीड और समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, each device has a dedicated point to point connection with only the two devices on either side of it. हाँ, तो दो डिवाइस है, दो साइड में एक डिवाइस जो है वो दो साइड से जुड़ा हुआ है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा दिख रहा है ना, ये इधर से जुड़ा हुआ है, एक डेडिकेटेड और एक डेडिकेटेड है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपके डाटा जाएंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, लेकिन जब भी चलेगा तो वो एक ही तरह से चलेगा, क्लियर है। तो इसके साथ अगर इस टर्मिनल की अगर बात करना है तो इस टर्मिनल के साथ दो टर्मिनल इसके साइड बाय साइड में जुड़े हुए हैं दोनों साइड में, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं डेडिकेटेड लिंक से। अरे बात समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन पढ़िए।
A signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Right, यही बात समझा रहा था कि suppose कीजिए कि ये जो है, ये इसका number हमने one कर दिया terminal का और इसको मान लीजिए कि 2 3 4 5 पांचवे को भेज रहा है. तो अगर इस direction में चल रहा है तो एक direction में चला तो यहाँ पे गया, इसका है नहीं है तो यहाँ के पास से यहाँ गया, तो ये यहाँ गया, तो यहाँ गया, तो ये जब तक चलेगा जब तक कि वो अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंच जाए तब तक वो पास होगा. यही बात है ना सर? मतलब ये टाइम एफिशिएंट नहीं है क्या? नहीं है टाइम एफिशिएंट? टाइम एफिशिएंट नहीं है वो तो बात की बात है. अभी और बताइए इसको पहले बात. क्या बोले सर? और इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए. Each device in the ring incorporates a repeater. आवाज नहीं आई. Each device in the ring incorporates a repeater. Incorporates a repeater. यानी रिपीटर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी रिपीटर को जोड़ कर रखा गया हुआ. और रिपीटर क्या करता है वो हम आपको बता दिए. रिपीटर क्या करता है? रीजेनरेट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब है डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो सिग्नल्स जा रहे हैं और वो सिग्नल्स किसके पास पहुंचेंगे? तो जिसका डेडिकेटेड डिवाइस जहाँ पर होगा उसी में, यानी एक डायरेक्शन में ही बढ़ते चला जाएगा और जब तक वो चलेगा अंटिल जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पर रीच न कर जाए. कोई दिक्कत? सारी बात समझ में आगे? नेक्स्ट एक लाइन और पढ़िए कम से कम. When a device receives a signal intended for another device, its repeater regenerates the bits and passes them along. Right. तो क्या करेगा? यहाँ पहुंचेगा, रिपीटर रीजनरेट करेगा, फिर आगे पास करेगा, फिर रिपीटर रीजनरेट करेगा, आगे पास करेगा, रीजनरेट करेगा, आगे पास करेगा. और अगर इस केबल में कहीं पर भी कनेक्शन में कट हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका बैठ जाएगा. डिसएडवांटेजेस के तौर पर पहला, क्या बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ेगी. दूसरा, क्या एक्सपेंसिव होगा. तीसरा, क्या इंस्टॉलेशन जो है वो डिफिकल्ट होगा. नो सर. ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे. अभी अभी ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया कि आप जो है वो समझें और इसके अनुसार आप तैयार करिएगा. तो हम आपको अगर कल दोपहर तक में हम लिख दिए दो चार लाइन आपके लिए, क्योंकि समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो हम अगर लिख देते हैं तो हम दोपहर में सेंड करवा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है ना? और वैसे ही नोट्स तैयार करिए. तो इसमें जो है स्टार्टिंग में चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो जो चीज हम बताए हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कैरेक्टर, वो सारी बातें, एक कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन कंपोनेंट की जरूरत है वो सारी बातें, डेटा फ्लो से बातें, यानी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स से रिलेटेड बातें, ये सारी बातें आगे लिखी गई हैं, पहले ही चैप्टर में शायद होगा. तो उसको ढंग से पढ़ करके और उसको करिएगा. ठीक है ना सर? बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन है. कोई बात नहीं, हम छोटा छोटा करके बता देंगे, ज्यादा तो बड़ा बड़ा नहीं है, मतलब उसका जो मेन मेन बात है उसी को लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है. अच्छा, पहले एक बार इस बुक को फॉलो तो करिए. स्टार्टिंग से जितना चीज हम बताए थे वो सारे बातें आपके दिमाग में होंगी और वही बातें इस बुक में भी लिखी गई होंगी, तो आप इसको एक बार पढ़ के देखिए. सर नोट्स कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे? टोपोलॉजी से? नहीं नहीं, नोट्स स्टार्ट कीजिएगा डेटा कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट करिए. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स क्या है वो बात,
और तब जाकर के ठीक है डेटा फ्लो क्या है वो सारी बात, और तब जाकर के आप लोग